सो फाइनली हम रबीन पैलेस पहुंच चुके हैं, मतलब सो शेख पैलेस भी कहा जाता है, मेबी जो रूलर ऑफ यूएई के हैं। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं और ये आप कार देख सकते हो, बड़ी लंबी कार है। एंड थोड़ा मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, आपको व्यू दिखाता हूँ आगे कैसा दिखने वाला है। थोड़ी गर्मी इतनी है नहीं, मतलब जितना मुझे लगा था कि गर्मी होगी दुबई में, नहीं है दुबई मतलब इंडिया से थोड़ा सा ठंडा है। और कल रात को ना, मतलब कल नहीं परसों, सॉरी परसों रात को हालत ख़राब हुई थी हमारे यहाँ पे। और आपको मैं बुर्ज खलीफा दिखाता हूँ, सिर्फ तो बुर्ज खलीफा सामने से देख सकते हो ना, अगर देख पा रहे हो दिखने दस द बुर्ज खलीफा। एंड सो आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। ये सारे हमारे ग्रुप के लोग हैं, जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे, सारे ग्रुप के लोग हैं हमारे। और वहाँ पे सामने सारी बिल्डिंग्स है, अगर आप देख सकते हो वो बुर्ज खलीफा है, ये सारी बिल्डिंग्स है। अब उस तरफ हम जाएंगे आज, तो आपको वो भी दिखाएंगे। और ये सारा मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से एंट्री होती है। और सामने वो जो देखे हो वो पैलेस है, ठीक है, जबील पैलेस, मतलब आपको बता ही दिया मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सा हम घूम लेते हैं, थोड़ा सा मस्ती करते हैं दोस्तों के साथ, फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं, रील्स बना लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप सबको लग रहा होगा ये फ्लावर्स जो लगे हैं यहाँ पे, कैसे दुबई में कैसे, मतलब डेजर्ट एरिया है यहाँ पे, कैसे आ सकते हैं, और वो भी इतने फ्रेश है। आपको देख रहे हो तो बिल्कुल फ्रेश है बिल्कुल। सो बेसिकली मैंने ध्यान से देखा यहाँ पे ना, जितने भी फ्लावर्स लगे हुए ना, हर जगह ब्लैक पाइप लगे हुए नीचे पानी के लिए। तो डेली हमारे यहाँ क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल पानी देते, बारिश हो जाती है, यहाँ पर बारिश होती नहीं है इतनी, तो मिट्टी बाहर से लाते हैं। और जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं दिखा सकता, अगर देख पा रहे हो आप, ये देखो, देख रहे हो ना ब्लैक पाइप है ये सारे, यहाँ इसके थ्रू पानी मिलता है इन सबको। तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे अभी पता चला है, तो मेरे लिए भी थोड़ा नया था, तो आपको बताया, आपको शेयर किया और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके, और आगे की जगह और दिखाते हैं आपको। सो ये है बुर्ज अल अरब। सो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगा होटल है, सेमसा होटल है पूरे वर्ल्ड में, मतलब अगर मजे करने हैं ना तो यहाँ दिखाते। और ये सामने आप देख सकते हो, ये है बीच पूरा, ना निकली बस में सो गया था, नींद आई थी, मैं मस्त शहर में अभी उठ के आ रहा, मैं मन नहीं कर रहा था आ गया था, चल चल लेते आ गए। तो बट अच्छी जगह है यार, पूरा ब्लू ब्लू वाटर लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और ये पूरा रेत है यहाँ पे, देख सकते हैं आप पूरा, क्या ले लो, अच्छा ग्रुप फोटो ले लो, ये भी ले लो, आ जाओ आ जाओ सर, एक 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 लेने दो आप, आ जाओ आ जाओ यो मैन, चलो अब फोटो शूट कर रहे हैं। पता है क्या हो गया, कांड हो गया, शूट कर रहा था तो बीच पे गया हुआ था, जूते मैंने उतारे नहीं, मुझे लगा इतना पानी आएगा नहीं आगे तक, शूट कर चक्कर में ध्यान नहीं दिया पानी पे। तो अभी मैं देखूं नंगे पैरों और जूते में लाया नहीं हूँ एक्स्ट्रा, सारे होटल में पड़े हैं। और ये है सॉक्स जो सूख रही है अभी, और ये जूते, तो जब तक ग्रुप में है तब तक ठीक है, मैं ट्राई करूँ जल्दी सूख जाए, सूखेगी नहीं अदरवाइज़ रात तक इनमें घूमना है मुझे भाई, हालत ख़राब हो जाएगी, पैरों में से इतनी गद्दी स्मेल आने वाली है ना, अगर मैं रात तक पहन के रखे बस सूख जाए यार, सूख मतलब भगवान से बात करो सूखे जल्दी, नहीं सूखे तो लग जाएगी मेरी भाई, घर जाते ही नहाना पड़ेगा। सही बीच पे आ गया मैं आज, सही बीच पे आया मैं, चल ठीक है कोई बात नहीं, अब तो हो गया आज बुर्ज खलीफा भी जाना है आज तो हमें, अभी तो एक जगह हो जाएगी फिर लंच करने जाएंगे, तो अभी चलो अब मैं एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि पैर गंद हो जाएगी, फिर जूते भी सूख रहे हैं, जूते भी चोरी हो गए तो लग जाएगी मेरी, तो बेटर है यहीं बैठ जाओ। ओके सो नाउ
The area is Palm Jumeirah. Okay, so maybe you heard about the word Palm Jumeirah. It's the man-made island, okay, on the water and the sea. So it's like the by the sip of the palm tree. Okay, so especially in the downtown area, maybe you notice the word MR, right? E-M-A-R, MR. It is one of the, please have a look on the right side. This is the main entrance for the Burj Al Arab Hotel. And near to there, we have the Wild Wadi Water Park, which is also another famous water park here in Dubai. Okay, so now in front of us, we can see the horses. It's the gold horses. Gold horses. Sone ka ghoda. Yes. Okay, so if you have seen the movie, welcome. By the Anil Kapoor. ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे सोने के घोड़े, सारे सारे सोने के घोड़े हैं। आप देख सकते हो ये सोने के घोड़े हैं सारे के सारे। एंड ये होटल है, इसका नाम क्या बताया था? जुमेरा अल कसर हजम। कसर मींस अरबिक वर्ड फॉर द पैलेस। ओके, सो घोड़ा यानी कि हर्स, इट्स द सिविलाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे यूज्ड टू हैव द हर्स। इवन दो वी हैव द थीम दैट इफ यू इन आवर सिटी एरिया रूम इफ यू हैव द फ्रेम विद द हर्सेस इट इज द पॉजिटिव वाइब्स प्रॉस्पेरिटी इट इज द सिविलाइजेशन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू। Dubai Charm. So there is a difference between Dubai Charm and the Dubai Metro. Dubai Metro, driverless. Dubai Charm with the drivers, more than 80 certified drivers by the RTA, Road and Transport Authority. They are working in Dubai Charm. So Dubai Charm basically for the marina only. We are at the backside of the marina. They have 11 stations for the Dubai. Okay, so from this area, now we are entering in the Palm Jumeirah. So from this area to the last end, around 560 hectares, 5.6 square kilometer, it is surrounded by the Palm Jumeirah. Okay, so on the right side, please have a look on the right side, the beautiful view of the Burj Al Arab, and in the middle, you can see the beach, that is the beach for the ruling family. Actually, that is the backside of the ruler summer palace. And the main garden, the way there is a greenery in the middle, that is famous for the Princess Island, where our ruler, he has the marriage with the lady, Princess Jaya. Haya from Jordan. But now see, flew back to UK. That is her latest wife. Okay, so Shah Rukh Khan, as we know that, he is the brand ambassador for the tourism of Dubai. So he has been gifted a villa by the Nakib, that is on the right side. And Aishwarya Raya Bachchan, okay, she has been gifted by, not the Nakib, by the Abhishek Bachchan on her birthday or on her anniversary gift. And the current news is Mukesh Ambani, okay, he bought the villa here, custom. 80 million not IC, Indian currency, 80 million not dirhams, 80 million US dollar. So they have 12 bedroom villas, swimming pool, everything is there. So this is the current sale of property of the Palm Jumeirah. And on the left side and the right side, these are the private villas belongs to the Palm Jumeirah. So in the movie, one of the movie, you know, any of you know the movie which was shooted here in the Atlantis? Happy New Year. Happy New Year, yes. So the Happy New Year movie by Shah Rukh Khan, it was shooted here in Palm Atlantis Hotel, which is in front of us. And on the right side, you see the cute design building. Yes, that is the Royal Atlantis Hotel Apartments, where there are more than 1200 rooms. That has been recently inaugurated two months ago by the ruler of Dubai. So Royal Atlantis on the right side in front of Palm Atlantis Hotel. तो आपने सुन तो लिया होगा पूरा स्टोरी।
हम आ चुके हैं यहाँ पे और सारे वहाँ पहुँच चुके हैं। हम गए थे वॉशरूम, एक्चुअली मैं नहीं गया था, इनको बहुत तेज आई हुई थी सुसु, तो इन्होंने कर लिया है मूत्र विसर्जन और सेक्सी बनने गए थे अंदर, सेक्सी बन के आ गए। चलो हम चलते आगे। तो ये वो जगह है और यहाँ पे आपने बताया भी था उन्होंने कि यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर का शूट हुआ था, सॉन्ग था हैप्पी न्यू ईयर का, शाहरुख खान यहाँ पे शूट हुआ था, मतलब जो होटल सामने है और ये एरिया है पूरा। चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे शूट ही करेंगे, रील्स बनाएंगे और उस पर हमारे पास घूमने के लिए हवा। तो ये आपने पूरा तो व्यू देख लिया है, ये आपको बता भी दिया है। और ये देखो ये सारे घर हैं, मतलब बिल्कुल, मतलब इसे समुद्र में क्या लेक कह सकते हैं इसको, और ये बिल्कुल उसके बिल्कुल बीच में घर है। यार मेरा ना बहुत, मतलब मेरा खुद मन है मैं ऐसी जगह एक घर हो लेना है आगे जाके, सपना तो पूरा करना है, सपने के लिए सारे काम कर रहे हैं, तो ज़रूर वो घर होगा जल्द। उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने आ, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, बातें मैं सुनूंगा सोने आ, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जादू ने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू माने मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा, तू माने मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में छुपा के रखूंगा, जानो मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जान सारा हिंदुस्तान, कभी सुन लो जरा जो न कहना सका, मेरे दुनिया तू ही हो तुम ही आसरा, सदाए सुनो जपाए सुनो मुझे प्यार हुआ था। वाह वाह। So, सबको साथ में गाना है, ठीक है, थोड़ा रॉकिंग सॉन्ग है, तो चलो। मेरे उम्र के नौजवानों दिल लगाना ओ दीवानो, मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई, अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लो कोई, अरे प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है लो कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। हाईवे हियर, लंगेस्ट हाईवे हियर इन दुबई, 558.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल 7 इमीरेट्स। आई वाज टॉकिंग इन द मॉर्निंग अबाउट द 7 इमीरेट्स, अबू धाबी द फेडरल कैपिटल सिटी, इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ दिस रोड एंड अदर 6 इमीरेट्स इज कनेक्टेड टू द north of this road. Okay, so now in this location on our left side, on your right side, sorry, on your right side, it's the Museum of Future. Okay, so it has been inaugurated here in 22nd Feb 2022. Okay, so there are the 7 floors and it is on the size, like oval size, oval shape, sorry. So at the outer layer there is the calligraphy, Arabic calligraphy. It is the famous quotation of the ruler of Dubai. So it has been written there. The future belongs to those who plan it, who execute it. Okay, and another quotation is there. So we are not living for hundreds of years, but our legacy will be like more than thousands of years. So guys, finally hotel again. Thank God. मुझे लगा आज इसी इन्हीं जूतों में पड़ेगा गीले, ओके, बट स्टिल बच गए, तो चेंज करेंगे इसके बाद हम लंच करने जाएंगे, फिर 4 बजे के आसपास हमें निकलना है, तो 4 बजे हमें लॉन्च में मिलना होगा सबको, उसके बाद ओके हमारा 222। सो हमारा रूम नंबर आ गया है, रूम आ गया, सॉरी रूम आ गया, रूम नंबर नहीं आया, रूम आ गया है हमारा
तो चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आगे।